क्योंकि आप जिस आदमी को भी फ़ोन करें आजकल, घर में साफ सफाई करने वाले से लेकर सेठ जी तक, किसी के पास टाइम नहीं है। और उसी के ऊपर एक सटायर कॉमेडी है आजकल। मैं हमेशा अभी भी कह रहा था कि सब्जेक्ट जो है अलग टाइप के सब्जेक्ट चल रहे हैं, और इसका बहुत डार्क कॉमेडी है जो आप लोगों को पसंद आएगी। समथिंग मैं कभी भी इंटरव्यू में ही नहीं बोलता ये फिल्म हटके, क्योंकि हम गलत ऑडियंस को गाइड नहीं करना चाहते, बट ये फिल्म वाकई में थोड़ी सी हटके, इसकी डार्क ह्यूमर बहुत टाइम से आया नहीं है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपने कब कहा टाइम नहीं है? मैं तो रोज़ कहता हूँ, ये तो ये शूटिंग के लिए डेट मांगते तब भी मेरे पास टाइम नहीं था, और हम लोग के पास तो ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि हमारे शोज चल रहे होते हैं। अभी जैसे कपिल शो चल रहा है हमारा सैटरडे संडे, उसका टेलीकास्ट देने के लिए हम लोग शूटिंग करते हैं, वही टाइम बिल्कुल नहीं है। बट टाइम नहीं है ना होने के बावजूद टाइम निकाल के ये फिल्म की टाइम नहीं है। क्या है कहानी के वन लाइनर सुनाऊं तो सटायर है, अभी ट्रेलर आप लोग देखेंगे। दादाजी के देहांत के बाद तो 13 दिन की कहानी, 13वीं तक क्या क्या होता है आपका किरदार, क्या क्या मेरा एक सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत ही क्या बोलते हैं शरारती। दो बेटे हैं घर के, तो मैं एक शरारती वाला हूँ और सीधा वाला वो दिखता है रजनीश दुग्गल, चश्मा उश्मा पहन के। तो जितनी खुराफाते हैं वो मैंने की है फिल्म में, रजनीश दुग्गल बहुत शांति में है फिल्म में। हाँ नहीं नहीं वो तो होनी है, लेकिन कैसे होगी वो आपको भी देखना है। टाइम नहीं है एक बहुत पारिवारिक कंटेंट बेस्ड कॉमेडी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को टाइम निकालना पड़ेगा दर्शकों को, फिल्म इतनी अच्छी है और हंसाएगी, हंसाते हंसाते थोड़ा सा एक इमोशन जरूर आएंगे फिल्म में जो ज़रूरी है। एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है और कलाकारों ने बड़ी मेहनत करके एक अच्छी कॉमेडी फिल्म में मेरा साथ दिया है। देखिए सब्जेक्ट के बारे में तो पूरा बता दूंगा तो पूरा आउटलाइन मेरा खुल जाएगा। आज घर में कोई भी हमारा जो बुज़ुर्ग होता है जो 60-70 साल उस परिवार को बनाने में लगाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो आज हमारी जनरेशन को उनके लिए 13 दिन का जो हमारा फंक्शन होता है, 13वीं तक का जो एक प्रक्रिया है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो उस ताने बाने को, वो 13 दिन का जो ताना बाना है उसको बड़े हास्य सटायर बेस में मैंने बताने की कोशिश की है, और जो सीन ऐसे हैं जो हर परिवार के लोग कहीं ना कहीं उससे टच करेंगे, हाँ ये हमारे यहाँ हुआ था, या मामा जी के यहाँ हुआ था, फूफा जी के यहाँ हुआ था, हर सीन कुछ ना कुछ कहीं कनेक्ट करेगा दर्शकों को। आपने कहीं से इंस्पायर होकर लिया है ये? एक्चुअल में ये जब फिल्म देखेंगे ना, इंस्पायर मतलब ये हर परिवार में जब कोई बड़ा बुजुर्ग मरता है तो वो 13 दिन की जो दुख भरी बात भी होती है, लेकिन जो टाइम पास भी बहुत लोग करते हैं वो हर के घर के आसपास ही होता है। डेफिनेटली मैं अपने समाज से ही इंस्पायर हूँ, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, तो ये वही ताना बाना है। कास्ट की बात करें, कृष्णा जी है, देखिए मेरे प्रोड्यूसर मनीष जी का ही स्टोरी लाइन है, मैंने स्क्रीन प्ले डायलॉग पर काम किया है, तो कहानी उनकी इतनी अच्छी थी तो यही था कि इसमें कास्टिंग अगर करेक्ट हो गई तो मज़ा आ जाएगा, मतलब एक मेरी कहानी को वो संयोग से अच्छी चीज़ें मिल गई। तो कृष्णा कॉमेडी के किंग, टाइमिंग बहुत अच्छी, रजनीश दुग्गल वेरी सटायर और बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया इसमें भी, युविका शक्ति कपूर, एक प्रियदर्शन टाइप का एक मैं गुलदस्ता बनाना चाहता था जैसे प्रियन जी बनाते हैं, लेकिन ये मनोज शर्मा का गुलदस्ता है, डेफिनेटली इसमें फूलों का कलर अलग होगा मेरी तरफ का और बहुत पसंद आएगा दर्शकों को। टाइम नहीं है, हाँ जी कहानी सबने कहा है टाइम नहीं है, तो हम दिन में 3 बार बोलते ही हैं टाइम नहीं है, किसी ना किसी बात में घर में बच्चा बोलते पापा टाइम नहीं है, तो ये वर्ड ऐसा है बड़ा कॉमन वर्ड है, तो इसलिए टाइम नहीं है। ट्रेलर लॉन्च है आज, जी हाँ, देखा आपकी फैमिली में फ्रेंड ने क्या उनका रिस्पॉन्स क्या कहा? देखिए अभी 10 मिनट पहले ट्रेलर यूट्यूब पे जी वालों ने डाला है और बड़ी खुशी की बात है 10 मिलियंस विद इन 20 मिनट्स हमारे आ चुके हैं, तो ये रिस्पॉन्स मुझे देखकर खुशी हो रहा है। और अभी आप ट्रेलर देखने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ वाकई एक अच्छी कॉमेडी परिवार के साथ देखने वाली है जो 18 अक्टूबर को पूरे सिनेमाघरों में छा जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। ये हटके एक ऐसा वर्ड होता है ना शक्ति जी, सब लोग बोलते हैं ना हमारी हटके फिल्म है, हटके फिर बाद के बाद में भटके फिल्म निकलती है, पता नहीं। ये हमारी ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज डार्क कॉमेडी है और काफ़ी टाइम से इस तरीके की कोई डार्क कॉमेडी नहीं आई, और आप इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे सब लोगों ने, मतलब कि मुझे तो सीखने मिला है। हेलो मुझे तो सीखने मिलता है बिकॉज इतने सीनियर और बेहतर इतने वंडरफुल एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी वेरी मच मनोज जी।
बड़े मजे की बात है कि आदमी जो इस इंडस्ट्री में गोविंद जी और शक्ति कपूर वाक्य में इस फिल्म के अंदर ये दोनों शरीफ आदमी जो पर्दे में लोगों को डराते रहे हैं, वैसे तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं, लेकिन इस फिल्म में वाक्य में गोविंद जी, शक्ति जी और हमारे पिताश्री, ये जो महान हमारे महान कलाकार सामने खड़े हैं, एक फिल्म ऑफ रिलेशंस है। हमारी आज की जो जनता है, हमारे जो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, कुछ संस्कृतियाँ पुरानी भूल चुके हैं और वक्त इतना तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जो ट्रैफिक में फंसे होंगे, वो भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार, जल्दी से ले चल। सो किसी के पास आज के वक्त में टाइम नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और इस भागने में काफ़ी कुछ खो बैठता है। तो इस फिल्म के अंदर आपको वो कुछ चंद नई चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग शायद भूल चुके हैं। एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू लवली एक्टर्स, मनोज जी, थैंक यू सर, अनूप जी के लिए बहुत बहुत वेलकम सर। एक और शरीफ आदमी आए हैं, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। अनूप जी सबसे शरीफ आदमी हैं, एवर ग्रीन हीरो है, और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गोविंद जी, ये दो शब्द मैं मनोज शर्मा की तारीफ में कहूंगा। इतना बड़ा अरसा हो चुका है मुझे काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये पहले ऐसे डायरेक्टर मुझे मिले हैं कि शॉट खत्म करके जैसे हम वैन में पहुंचे, तुरंत कॉल आया, सर आपका शॉट, दूसरा शॉट तैयार है। इन्होंने ये फिल्म 22 दिन में ये फिल्म कंप्लीट कर ली, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए बिना। जो इतना सेंसिटिव मैसेज इस फिल्म के अंदर है, वो पूरी ताकत के साथ आपको इसमें असर करता हुआ दिखेगा। मुझे पूरा इंट्यूशन है कि ये फिल्म जिस मकसद से बनाई गई है, वो अपना मकसद जरूर पूरा करेगी। अंजन जी, आपके बिना तो ये फिल्म वैसे भी नहीं बनती, तो इस सब आपके बन जाती है, बन जाती है। अरे सर, आपका ही थ्रो बन जाती है। मुझे दो शब्द कहना है, दो शब्द कहने के लिए कहा है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये कहना है कि इतने सालों में जो काम किया है मैंने, इसमें से कॉमेडी की पहचान कुछ डायरेक्टरों को है। कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, सबको आता नहीं, माफ कीजिएगा। इसमें मैंने एक मरहूम डायरेक्टर कुंदन शागित जी के साथ काम किया है, उसमें जो सटलिटी थी कॉमेडी के अंदर और मैसेज जो जाता था, वो डायरेक्टर इतने दिनों के बाद मिला मनोज। मैं इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ, इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे डायरेक्टर को चुना। ऐसा डायरेक्टर बहुत कम मिलता है आज के जमाने में। थैंक यू। और जैसा शक्ति जी ने कहा कि इसके अंदर फैमिली की जो मैसेज है, जबरदस्त मैसेज है, और इतनी सटलिटी से दिया है जो आपकी लाइफ के साथ मिलता जुलता है। इससे अच्छी फिल्म कॉमेडी में कुछ फिल्में हैं, उनमें से एक है। धन्यवाद, थैंक यू। बस चूंकि अभी ट्रेलर दिखाना है, इसलिए मैं वन बाई वन ट्रेलर के बाद खाली मैं अपने प्रोड्यूसर मनीष भाई से बोल ट्रेलर शुरू करेंगे। मंत्री जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सबने आज बहुत समय निकाला। फिल्म का नाम टाइम नहीं है, लेकिन आज हमारे लिए आपने टाइम निकाला। हम ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं, और हमें आपका साथ हमेशा ऐसे ही चाहिए जैसे आज आपने हमारे लिए निकाला। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सबने समय से पहले इंतजार किया, इंतजार के लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, लेकिन सबने बहुत अच्छा समय दिया, और हम यही चाहते हैं कि आप इस फिल्म को आगे बढ़ाएं। अब ये फिल्म हमारी नहीं रही, ये आपके परिवार की फिल्म है, सबकी फिल्म है, तो सबको इसको आगे बढ़ाना है। हमारे लिए ये इंडस्ट्री में पहली फिल्म है, लेकिन फिल्म पारिवारिक है और परिवार के साथ में लेके चलती है। आपके पास परिवार के लिए टाइम होना ही चाहिए, ये फिल्म आपको साबित कर देगी कि आपके पास परिवार के लिए टाइम होना ही चाहिए। पार्ट निभाया, और आप जब फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा मैं इस फिल्म के अंदर कोई ना कोई किरदार में हूँ,
और वो किरदार ही आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये पारिवारिक फिल्म है, आपको परिवार के साथ ही देखनी पड़ेगी और परिवार के लिए आपके पास टाइम होना ही चाहिए। सर फिल्म की स्टोरी लिखी है तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों से सीख ही लिया है। मैं और कृष्णा अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे तो मैंने पूछा कितने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, बोले 8 है। मैंने कहा इनका ही खानदान आ जाए पूरा, पिक्चर 8 है। एक बात मैं आपको बता दूं, शक्ति कपूर जी हमारी मारवाड़ी दाल बाटी के बहुत बड़े फैन हैं, तो दाल बाटी जिसके घर पे अच्छी बनती है वो जरूर मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जो इन लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर्स को, जो दाल बाटी इन्होंने मुझे खिलाई है। आज तक दाल भी निकल रही है, बाटी भी निकल रही है। थैंक दिया गया है और बहुत अच्छा कह दिया गया है, आप लोगों ने खूब मजा लिया है। लेकिन एक आजकल मैं एक छोटा सा चुटकुला हर जगह सुनाया करता हूँ कि एक बार एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया। अपनी कहानी बना ली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबने मिलकर फिल्म बनाई, फिल्म खूब चले, लोग बहुत उसका आनंद लें, मजा लें और अभी इसका ट्रेलर देखते हैं। थैंक यू। बस लास्ट में दो बार तालियां आपके आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सर टाइम नहीं है के लिए टाइम दिया सर। तो हम सब लोग अभी ट्रेलर देख लेते हैं ताकि हमारी बातें कितनी सही। दो मंत्री है मेरे पास। कृष्णा आ गया। सर सर सामने देखिए। सर मनोज सर 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 एक सेकंड रुकिए। अब मैं हमारे प्रोड्यूसर्स को भी स्टेज पे बुला। व्हेन इट कम्स टू मूवीज, आई हर्ड कि आपने एक सीन शूट किया था जिसमें आप काफी इमोशनल हो गए थे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ही हंसाना मुश्किल होता है उतना ही रुलाना मुश्किल होता है स्क्रीन पे, तो सर आपकी क्या इंस्पिरेशन थी इस सीन के पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक मनोज फॉर गिविंग मी अ वेरी डिफरेंट रोल। और जब मैं फर्स्ट डे शूटिंग पे आया तो मैंने मनोज को बोला कि मैंने एक राजश्री की फिल्म की जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, और जब मैंने इसकी शूटिंग शुरू की तो मुझे कुछ राजश्री फिल्म की तरह ही उसकी खुशबू सेट पे आई और जो सीन्स है, और फिर एक रिलेशन जो मैंने फील किया। देखिए फिल्म जब चलती है तो कलाकारों का आपस में कॉम्बिनेशन का जो काम होता है ना, वो बिल्कुल ईगो के बिना नज़र आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ फिल्में की, सत्य पे सत्ता की, बाप नंबरी बेटा कसरंगी की, जैसे करनी वैसे भरनी की, तो मेरे बड़े भाई का रोल गोविंद जी ने किया और पहले दिन के बाद ही ऐसा फील होने लगा कि मैं वाकई में इनका छोटा भाई हूँ और ये राम है और मैं इनका लक्ष्मण हूँ। मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया अपने बड़े भाई के चरणों में, और उसका जब मैंने ये फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि वाकई में अगर आज के युग में ऐसे दो भाई हों और ऐसा बाप हो पिता हो तो एक परिवार कितना खुश, कितना कुशल मंगल और कितना, देखिए जो संस्कार होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं जो हम लोग आजकल भूल गए हैं, उसके अंदर बहुत खुशियां होती हैं जब इंसान उन संस्कारों को फॉलो करता है, एक परिवार एक जुट रहता है और उसमें अच्छाइयां इंसान के शरीर में रियलिटी में आ जाती हैं और वो गलत सोचना बंद कर देता है, तो ऐसी एक फीलिंग आई। तो मैं इस फिल्म के लिए मैं गोविंद जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है बट उनकी छत्र छाया में मैंने भी थोड़ा सा काम ठीक कर लिया। थैंक यू। थैंक यू शक्ति जी, आपने बड़ा सम्मान दिया, बड़ी तारीफ की मेरी, बहुत एंजॉय किया मैंने ये फिल्म करते हुए। मैं फिर घूम फिर के फिर डायरेक्टर पर आ रहा हूँ। इन्होंने बहुत मुझे ये छूट दी कि आप इस सीन को जिस तरह से भी आप कंसीव करें, जिस तरह से भी आप इमोशंस की जितनी डिग्री आप आपके हिसाब से
जरूरी लगे, आप अपने हिसाब से परफॉर्म कीजिए। इनके इन्होंने जो ये छूट दी उसकी वजह से मैं इस कैरेक्टर में बहुत अंदर तक घुस गया, और आप देखेंगे छोटे छोटे सीन्स में बहुत ही इम्पैक्टफुल इमोशंस देखने को मिलेंगे आपको, और उस सीन का पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर सीन में इम्पैक्ट रिक्वायर्ड है। सो तो मैं एक बार फिर अपने डायरेक्टर दोस्त की तारीफ करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोग ये फिल्म जरूर देखें, आप तो देखेंगे, आपकी अपनी फिल्म है। मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से इस फिल्म को जिस तरह से भी प्रमोट कर सकें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस फिल्म को जरूर प्रचारित करें, ये फिल्म अपना सही मुकाम पा सके, इस तरह की कोशिश हम चाहते हैं कि आप भी करें। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल में ये सीन पे इन्होंने हमको ताजा ताजा दोनों भाइयों को चेक दिया था। Thank you so much, sir. What is your take back? मेरा तो learning experience था, because we have such wonderful actors with us. तो as a junior होने के नाते मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा था every day. झूठ बोल रहा है, ये सबको सिखा रहा था। नहीं सर, ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं, but genuinely ये तो मस्ती मजाक की बात है, but genuinely मैं ये मीडिया के लिए किसी के लिए नहीं कह रहा, हम सेट पे भी कहता था गोविंद जी को, मैंने कहा कि आई हैव सीन हिम सो मच वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स, बट मैं इनको सीन्स करते देखता था इतने डूब के, अंजन जी माय गॉड, इतने बढ़िया सीन्स हम लोगों ने किए, इतनी गर्मी थी, मुझे गर्मी सहन नहीं होती है, लेकिन सेट पर हम लोग सब गर्मी वर्मी भूल के हमारे सीन में खो गए थे, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी वर्किंग। मैंने मनोज जी के साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है, बट आई थिंक ये फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी बहुत अलग था, और हमारे सेट पर रोज़ ताली बजती थी, मनोज जी को मैं कहता था कि रोज़ कोई ना कोई लाइट में या कोई ताली बजाता था, तो 22 दिन तो ताली बजी है, तो इसका मतलब हमारे अगर 22 सीन भी माइंड ब्लोइंग हो गए तो हमारी फिल्म इसका मतलब बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा और कोई ऐसी मेमोरी, और ये भी अच्छा, बहुत मस्ती करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी इंसिडेंट नहीं, मैं मुझे कंप्लेन है कि बहुत जल्दी मार दिया मुझे, मार करके मुझे सुला दिया उससे पहले, क्योंकि मुझे और गोविंद जी के और शक्ति के साथ और भी काम करने की इच्छा थी, सीन्स करने की, क्योंकि गोविंद के साथ सीन करने का मजा ही और है। मैंने 3-4 फिल्में की जिसमें सबसे मजा आया था पुकार में, और उसमें दूसरे ढंग का भाव ही अलग था, जब ये हमको सॉक्स पहनाते हैं मॉर्निंग वॉक कराने के लिए, दैट वाज रियली सेंटिमेंटल सीन, विच मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपनी आंख में पानी आ जाता था, तो मेरा बेटा, क्योंकि आज के डेट में वही कहानी का सब्जेक्ट है, आज के डेट में ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा जो सुबह सुबह पांव पोछ करके पापा को मोजे पहना करके लेके जा रहा है घुमाने के लिए, जिसने शादी नहीं की, अपना घर नहीं, अपने बाप को फॉलो करके परिवार को कैसे चलाएं एक साथ, जॉइंट फैमिली कंसेप्ट का जो आइडिया दिया है, हैट्स ऑफ मनोज, जो कंसेप्ट है उसी ने मुझे मोह लिया, उस सीन में गुजार दिया, ऐसे ही ये बदमाश लड़का है, थोड़ा बिजनेस मनी माइंडेड है, तो वो सारी फीलिंग अपने आप बन गई थी उस एटमोसफियर में, जबकि वो फैमिली फोटोग्राफ्स ले रहे थे उसी में फील होने लगा था, व्हाट इज शक्ति जी, व्हाट इज गोविंद, एंड व्हाट इज दिस फेलो। थैंक यू वेरी मच मनोज। थैंक यू। अब मैं हेमंत जी से पूछना चाहूंगी। हाँ, एक चीज और बोलना भूल गया, एक पंडित जी का जो रोल है जो, और राजपाल का, और ये गोपी का, ये हिलेरियस जो एकदम नेचुरल है, जो डिमांड है उसमें, जो किया है इन लोगों ने, बात करेंगे ये ऐसे भी घुमा के ले लीजिए। लगभग मेरी ये 7वीं फिल्म साथ में है, तो ऐसा लंबा एसोसिएशन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूँ, और हर बार अलग रोल होता है, इस बार का रोल आप देखेंगे तो उसका मजा आएगा, मेरे साथी कलाकार जब उस पर मजाक करते हैं या उस पर बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कलाकार जो है निश्चल होता है,
निष्काम होता है तो वो आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो इतने मेरे साथी कलाकारों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया उसके तकिया कलाम को या उसके भाषा को, तो मुझे मेरे लिए वो भी बड़ी उपलब्धि की बात है। और तीसरी बात ये है कि इस फिल्म का कोई भी एक सीन या दो सीन या तीन ऐसे सीन होंगे जो हर व्यक्ति को उसके अलग अलग अनुभव के हिसाब से याद आएंगे कि हाँ ये तो मेरे परिवार में हुआ था, ऐसा तो मेरे भाई के यहाँ हुआ था, ऐसा तो मेरे फलाने के यहाँ हुआ था। तो पूरी तरह से इसलिए भी ये पूरी तरह पारिवारिक फिल्म हो जाती है। बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे एक और गेस्ट हैं यहाँ पीछे जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे आगे रहते हैं, योगेश भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप देखते हैं हमारे बैनर लगे होते हैं ब्राइट वाले, तो हिंदुस्तान में जितने बैनर लगते हैं वो यही लगाते हैं सारी फिल्मों के, तो इनके लिए जोरदार ताली। मिस्टर योगेश लखानी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं पहले इनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी उसका थोड़ा पब्लिसिटी के लिए बजट नहीं था, तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे इनके पास गया और मैंने बोला कि ये फिल्म है इसका बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप कुछ बैनर हमें दे देंगे। तो मुझे यकीन नहीं आता है कि इन्होंने पूरे बॉम्बे में एक रिलेशन के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए जिसके पास पैसा नहीं था, कुछ इतने बड़े बैनर लगा दिए। अगर बिल बनाने जाएं तो आज उसका 30-35 लाख का बिल होगा, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। थैंक यू। इसका मतलब ये पैसे नहीं लेते हैं ऐसा कुछ नहीं। लखानी हो आप तो ऐसे कैसे। उसके बाद बोले मैं अस्पताल खोल रहा हूँ वहाँ आ जाना, फिर जयपुर में मेरा शो है वहाँ आ जाना। नहीं नहीं, इनका इनका जो अस्पताल भी है इन्होंने फ्री बहुत इन्होंने समाज के लिए किया है। इन्होंने कहा मुझे एक दिन कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी आज समाज को वापस कुछ करके दिखाना है। हॉस्पिटल खोला है, पूरा फ्री इलाज करते हैं सर ये। आप कुछ बोलेंगे योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे योगेश भाई? मतलब आप जैसे बड़े प्रोड्यूसर से पैसा लेने का और छोटे लोग को फ्री में देने का, ऐसा है? अरे हमारे चार चार प्रोड्यूसर है, एक एक 35-35 देगा, ऐसी बात। मतलब होल्डिंग ऑल इंडिया लगेंगी, आज कंफर्म हो गया है किस्से सुनाने के बाद। गाड़ियां अलग अलग थी लेकिन फोन पे लगे हुए थे, तो वी वर ओनली डिस्कसिंग दिस फिल्म। कृष्णा ने ये फिल्म देखी नहीं, मैंने देखी, तो मुझसे पूछ रही थी फिल्म कैसी है, कैसी लगी। तो मैंने कहा फिल्म तो बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छी लगी। तो कृष्णा ने बोला कि अगर ये प्रोड्यूसर लोग जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इतना पैसा भी खर्चा किया है, अगर इसकी रिलीज और इसके थिएटर्स और इसकी पब्लिसिटी अच्छी करें, मतलब दिल खोल के करें, तो दिस फिल्म कैन रियली हैव अ मेजर मेजर मतलब सक्सेस एंड अ ह्यूज हिट। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा, ये 8 प्रोड्यूसर हैं, तो शक्ति जी भी प्रोड्यूसर बन गए। अरे मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, तो 6 मैं हो गया, कृष्णा 7वां हो गया, मनोज 8वां हो गया, तो हम लोग तो साथ साथ हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर मीडिया हमें अपना सहयोग दे, और इस फिल्म को क्या आज मीडिया इतनी ताकतवर हो गई है कि कुछ भी कर सकती है, और हमेशा अच्छी चीज़ के लिए और नए प्रोड्यूसरों के लिए तो आज की मीडिया बहुत हेल्प करती है। तो मीडिया प्लीज़ हेल्प दिस फिल्म, और हमारे लिए टाइम निकालना, ऐसा नहीं बोलना कि टाइम नहीं। और आज जो आप ये फिल्म देखें, और अगर आपका दिल बोलता है तो इसको टैक्स फ्री अवश्य करें। ये क्या होता है कि आज का दौर बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो फिल्म, मेरी बिटिया का सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक फिल्म आई स्त्री जो 8 या 9 करोड़ में बनी, लेकिन उसने बिजनेस किया 150 करोड़ का, क्योंकि कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आप करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं पर कंटेंट नहीं होता, नहीं चलती है। लेकिन ऐसे न्यू कमर प्रोड्यूसर्स और फिल्म जिसमें कंटेंट है, एक सबक है, अगर आपके दिल को छूती है
तो आप अवश्य इसको टैक्स फ्री करवाने में हमारी मदद करें, रिकमेंड करें। थैंक यू अनुप जरोटा जी का। मैं ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आज की जनरेशन इतनी फास्ट है, उनकी सोच, उनका उनको लगता है कि उनको दुनिया फतेह कर लेनी है, उनको बहुत आगे बढ़ जाना है। और उनको ये जो पुरानापन है, पुराने संस्कार, परंपराएं, कल्चर, इनको उसमें वो बाधक दिखती है। उनको लगता है कि ये सब पुरानेपन को से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बहुत आगे प्रोग्रेस करनी है। प्रोग्रेसिव है आज की जनरेशन, आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, आज की जनरेशन प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव, उनकी प्रोग्रेसिवनेस अपनी जड़ों को छोड़ के है, जो कि एक बहुत ही आई थिंक हमारे कल्चर को, हमारे हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति परंपराओं को बहुत नुकसानदेह है। और क्या खींचते रहते हैं, इसी में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है फिल्म के अंदर। मैं इसमें बड़े भाई के किरदार कर रहा हूँ, अनिल श्रीवास्तव मेरे फादर बने हुए हैं। एक मैं अपने देश की कल्चर को, संस्कारों को, परंपराओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।